और देखिए दोस्तों ये काफी एक्टिव लग रहा है और एकदम रियल वाइट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका सर्प मित्र में। आज का जो रेस्क्यू कॉल है ये रानीपुर ग्राम सभा है और ये जो बाबा हैं इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया था, हम सही समय पर पहुँच आए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है, कहाँ है, किस स्थिति में से आसानी प्रोग्रेस। चलिए बाबा हमें सांप देखते हैं। दोस्तों ये है सांप और इसका जो कंडीशन है बहुत खराब है इसका स्थिति, और ठंड से ये एकदम इसका जो भी है कंडीशन बहुत खराब है। अब इसका रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो में आप लोग बने रहें। पूरी तरह केचुल से है, माता हुआ है ये, स्किन इसका छूट गया है, धीरे धीरे छूट रहा है इसका। तो चले दोस्तों इसको क्लीन स्थान पे लेके चलते हैं, उसके बाद इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसको क्लीन कुछ तो देखिए दोस्तों इस सांप को हम लोग सुरक्षित रेस्क्यू करके नीट एंड क्लीन स्थान पे ला दिए, और देखिए इस सांप का जो कंडीशन है काफ़ी ख़राब हो चुका है और एक केचुली से भी माता हुआ है सांप। और देखिए इसके जो आई है आँख एक मिट्टी से ढक गया है, देख लीजिए ये पूरी तरह से इसको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। और देखिए दोस्तों ये काफ़ी एक्टिव लग रहा है और एकदम रियल वाइट कर रहा है, एकदम पूरा एक्टिव है। इसके आँख से दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी ये पूरा एक्टिव है, देख लीजिए गाइस। और एकदम रियल वाइट करेगा, जो भी करेगा इस टाइम में रियल वाइट ही करेगा। चलिए दोस्तों इस सांप के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोग। ये जो सांप है एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा प्रजाति का सांप है, जिसे हम लोग हिंदी में भारतीय नाग बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में गेहुअन और फेटार के नाम से जानते हैं, और वैज्ञानिक नेम नजा नजा है। इसके अंदर जो जहर पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिक नामक जहर पाया जाता है, जो काफ़ी ख़तरनाक और जहरीला होता है। इसके काटने पे आप झाड़ फूँक के चक्कर ना पड़िएगा, डायरेक्ट अपने जिला अस्पताल पर जाइएगा, और एक स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन ही है जो आपके जान बचा सकती है। और झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ेंगे तो आप मारे जाएंगे, इसलिए आप जब भी ये सांप आपको काटे तो आप तुरंत जिला अस्पताल जाइए, अपना इलाज कराइए। और ये सांप कहीं भी दिखता है तो जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए अब इस सांप को हम लोग करते हैं एक थैले के अंदर पैक। पैक करने के बाद इसको सुरक्षित ले जाकर अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। दोस्तों आ चुका है थैला, अब इस थैले के अंदर इसको पैक करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, आसानी से थैले के अंदर चला गया। थैंक यू सो मच। और हमारा काम कैसे लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों।